दोस्तों आज के स्टूडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो मुझे एक बहन ने कमेंट करके बताया था। देखिए, जैसा कि ये बहन ने मुझे बताया है, मैं रियलमी 8 डे टू लीव फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। मैं जब भी गैलरी में जाके फ़ोटोज़ डिलीट करती हूँ तब वो डिलीट होती है, पर फिर एन एरर अकर्ड, ऐसा मैसेज आके डिलीट की हुई फ़ोटोज़ वापस रिस्टोर हो जाती है। क्या आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं प्लीज़? ऐसा करके मुझे इस बहन ने मुझे कमेंट में बताया इस प्रॉब्लम के बारे में, तो हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए इस सॉल्यूशन को किस तरीके से करें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आपके फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद इधर आपको जाना है ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स बोल के इधर आप देख सकते हैं मैनेज ऐप्स। आप मैनेज ऐप्स को क्लिक कर लो और अब इधर आपको सर्च करना है गैलरी। इधर गैलरी को आप सर्च कर लेना है सबसे पहले, और इधर नीचे वाला आप जो भी फ़ोन देखेंगे उसमें इधर फोर स्टॉप बोल के आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप सबसे पहले इसको फोर स्टॉप करना है और इसका क्लियर कैच कर लेना है, और उसके बाद इधर आपको देख सकते हैं स्टोरेज पे क्लिक करके आपको टोटल क्लियर डेटा कर देना है। स्टोरेज का क्लियर डेटा आपको कर देना है, और उसके बाद इधर आपको ऐप परमिशंस को सभी अलो रखना है। देखिए, जैसा कि इधर थोड़े परमिशंस नॉट अलोड है, मैं उनको सभी को अलो कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अलो ऑल द टाइम और रिमूव परमिशंस इफ ऐप डजंट यूज, इसको क्लिक कर लेना है। और बैटरी सेवर को इधर आप नो रिस्ट्रिक्शंस पे रख देना है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम इसके वजह से आता होगा, और सो इसको नो रिस्ट्रिक्शंस पे रख देना है। और बैक आ जाते हैं, और इधर इंस्टॉल ऐप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस, देखिए इस तरीके से ऑप्शंस आपको अपने जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो रियलमी हो, ओप्पो हो, जो भी आपका मोबाइल हो, आपको इस सभी ऑप्शंस को दे सकते हैं अपने मोबाइल में। सो इस पर क्लिक करना है और अलो फ्रॉम दिस सोर्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेना है, जैसा कि इधर टाइमर पड़ा हुआ नीचे, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर। और इधर टिक करना है इस बॉक्स पे और ओके पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। तो आपको सिर्फ इतना सा ही करना है दोस्तों। इसके बाद आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ डिलीट करके देखो, आपके फ़ोटोज़ परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम एंड एरर रिकॉर्ड बोल के कुछ भी मैसेज नहीं देखने को मिलेगा। आपके फ़ोटोज़ परमानेंट से डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, जो भी एरर से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपका ट्रिक वर्क हुआ कि नहीं हुआ।